हेलो गाइस दोस्तों, अगर आप तलाश में एक बढ़िया वाला, बहुत ही बढ़िया वाला प्रोफेशनल स्क्रीन या डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की, ये देखिए, तो आप इस ऐप यानी आइसक्रीम का दो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर उसे ट्राई करके देखिए, डाउनलोड कीजिए, मैंने लिंक दिया, फ्री में इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप ट्राई भी कर सकते हैं। इसमें एक से बढ़ के एक कमाल के फीचर्स हैं। सबसे पहले आप 4K तक स्केलिंग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 4K रिकॉर्डिंग बहुत कंफर्टेबल, बहुत बढ़िया चलता है। उसके बाद आप गेम की भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इवन 60 FPS तक, जो फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट में कर सकते हैं। अगर आप वेबकैम रिकॉर्ड करना चाहते हैं ट्यूटोरियल के दौरान, या फिर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, मल्टीपल लोग हैं उसमें, मीटिंग्स है, उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वेबकैम को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, अलग अलग पोजिशन पे लगा के, बिल्कुल अच्छा से होता है। इतना कमाल का इसमें और फीचर्स है, जैसे कि मान लीजिए आप एनोटेट करना चाहते हैं अपने रिकॉर्डिंग को, कि कहाँ सर्कल करना है, कहाँ एरो करना है, किसी को क्रॉस करना है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग। इसे फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। विंडोज 10, 11 किसी भी वर्जन पे कंपैक्टेबल है, लेकिन अगर इसका एडवांस फीचर आपको चाहिए तो प्रो वर्जन में आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। आइए आपको दिखाते हैं इसका प्रो वर्जन का पूरा फीचर, फिर आप कहेंगे कि हाँ, वाकई में कमाल का सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों, आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर को डाउनलोड करने के लिए आपको इस URL पे जाना होगा, जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे यूँ तो बहुत सारे आपको टूल्स और सॉफ्टवेयर्स देखने को मिलेंगे जो कि बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करना है स्क्रीन रिकॉर्डर पे आपको, और इसका लेटेस्ट वर्जन जो कि 7.15 है उसे आपको फ्री में डाउनलोड कर लेना है और ट्राई कर सकते हैं। बेहतर लगे तो आप इसे अपग्रेड कर लीजिए प्रो के लिए। फिलहाल फ्री में हम इसे डाउनलोड करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका फीचर। इंस्टॉल कीजिए और इसे लॉन्च कीजिए। लॉन्च करने के बाद ये आपको इसका कुछ इंटरफेस दिखता है इस तरीके से, बहुत सिंपल सा इंटरफेस है, बहुत सारे फीचर्स हैं, वन बाय वन मैं बता रहा हूँ। सेटिंग में सबसे पहले हम इसका थीम अपने मनपसंद का चूज़ कर लेते हैं, लाइट या डार्क कोई भी चूज़ कीजिए, और आगे आपको दिखाते हैं। अब चलिए इसका मेन चीज़, यहाँ पे वीडियो कैप्चर है, फुल स्क्रीन से लेकर बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहला फुल स्क्रीन हम कैप्चर करके दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा, और अभी करंटली 1920x180 पिक्सल सेलेक्टेड है। आप चाहें तो इसको 4K तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जी हाँ, 4K तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आपका स्क्रीन बड़ा है तो। यहाँ पे रिकॉर्डिंग टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली कब स्टॉप हो जाए, और यहाँ से आप इसका प्लेस प्रेस करके आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हॉट कीज़ है जिससे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। चलिए आपको समझाने के लिए मैं गूगल खोल लेता हूँ, इसमें कुछ सर्चेस कर देता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ। मैंने देखिए ये रिकॉर्ड कर लिया, ये प्लेस सेव हो गया, छोटा सा क्लिप बन के, क्लिप वन नाम देता हूँ, और आप चाहें तो इसे सेव कर सकते हैं। लोकल फाइल कंप्यूटर में आपके सेव हो गया इस तरीके से। मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमने रिकॉर्डिंग किया था और रिकॉर्डिंग जो है हमारा चालू हो गया। ओके, तो इस तरीके से क्लिप बन गया। इस क्लिप को हम अब बंद कर देते हैं और अगला चीज़ आपको अब दिखाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला चीज़ है कस्टम एरिया। मान लीजिए आपको पूरा स्क्रीन नहीं सेलेक्ट करना है, आपको कुछ पर्टिकुलर सीन का एरिया सेलेक्ट करना है, तो मैं मान लीजिए इस डेस्कटॉप का इस एरिया को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ सिर्फ, बाकी ये बाहरी एरिया को रिकॉर्ड नहीं करना चाहता हूँ। देखिए 1325x740 रेजोल्यूशन हो गया इसका, और रिकॉर्डिंग इस एरिया को केवल ये करेगा आप जो भी मैं करूँगा। जैसे मान लीजिए इसमें हम कुछ सर्च कर देते हैं, आइसक्रीम ऐप्स ही सर्च कर देते हैं, और ये आ गया। इसे हम अब स्टॉप कर देते हैं। देखिए क्या सेव हुआ, आप देख लीजिए यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ पे इसका क्लिप 2 नाम दे सकते हैं और सेव कर सकते हैं। और ये देखिए, अब ये वाला है क्लिप 2, और देखिए क्या एरिया रिकॉर्ड हुआ है। बाकी का एरिया रिकॉर्ड नहीं हुआ, केवल जो सेलेक्टेड एरिया था वही रिकॉर्ड हुआ। तो ये प्रीव्यू आपने देखा उसका। अगला चीज़ आपको दिखाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लास्ट एरिया है, मतलब आपने इन दोनों में से जो भी किया होगा वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा। उसके बाद ऑटो एरिया है कि ऑटोमेटिकली वो एरिया सेलेक्ट कर लेगा जो भी स्क्रीन होगा उस हिसाब से। इसके बाद आपका अराउंड द माउस एरिया है, मतलब माउस के आसपास का एरिया जो है वो सेलेक्ट करेगा जहाँ आप मूवमेंट करेंगे। तो मैं इसके लिए रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला, और मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। देखिए अभी पर्टिकुलर इस एरिया मैं पे क्लिक किया तो यहाँ का ही एरिया सेलेक्ट हो रहा होगा, रिकॉर्ड हो रहा होगा। जहाँ आप करेंगे वही एरिया रिकॉर्ड होगा। इवन आप नीचे स्क्रॉल किए तो ये सब ही होगा, और बाकी एरिया जो नहीं होगा। इसमें आप नाम दे सकते हैं जो चाहें तो, या फिर आप अपलोड बाई शेयर, ये वाला एक नया फीचर इसमें है जो आप कर सकते हैं, किसी भी URL पर डायरेक्टली भेज सकते हैं, या फिर क्लाउड में ये अपने आप चला जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये एक बढ़िया नया फीचर इसमें ऐड किया गया है जो पहले नहीं था। ये देखिए, इसके आप क्लाउड में चला गया, यहाँ थोड़ा आपको क्लियरिटी कम दिख रहा है, लेकिन इसे डाउनलोड कर लीजिए, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा वैसे। और डाउनलोडेड फाइल देखिए क्या है, ये देखिए बिल्कुल जहाँ जहाँ मैंने माउस किया है, जहाँ जहाँ हमने कर्सर किया है,
उस तरीके से ये रिकॉर्डिंग उस एरिया को शुरू किया है। तो इसलिए इस रिकॉर्डिंग को हम कहेंगे कि एरिया वाइज जहाँ माउस है आपका उसी एरिया को रिकॉर्ड कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम कैप्चर वीडियो में फुल स्क्रीन का एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाते हैं बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें कि एक है यहाँ पे वेबकैम। तो अब आप वेबकैम को एक्सेस कर लिए। अगर आप चाहते हैं इसे बड़ा करने के लिए तो आप बड़ा कर सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से जितना रखना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट साइज लग रहा है मुझे और इसे मैं आप चाहें तो यहाँ इस कॉर्नर पे, आप चाहें तो इस कॉर्नर पे, आप चाहें तो इस कॉर्नर पे या फिर इस कॉर्नर पे, कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये कॉर्नर सही है और मैं यहाँ पे इसे प्लेस कर दे रहा हूँ। अब आगे की बात, यहाँ पे अगला बटन है जूम इन और जूम आउट। आप जूम इन और जूम आउट दोनों ही कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। आप चाहें तो माइक, आप चाहें तो सिर्फ सिस्टम का साउंड चाहे तो नहीं रिकॉर्ड करना, नहीं कर सकते हैं, केवल माइक का करना है तो माइक का कर लीजिए। अब आगे मेन यहाँ पे एक पट्टी दिया हुआ है, इसे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो एक टूल बॉक्स खुल जाएगा इस तरीके से और इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत काम की चीज़ें हैं, ये आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये सिलेक्शन टूल है, इस सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज ये मुझे इस एरिया को दिखाना है सेलेक्ट करके, तो मैंने दिखा दिया। वैसे ही आप बीच में भी कहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेन टूल आता है ये। इस टूल से मैं क्या होता है कि देखिए, मैं क्लिक कर दिया तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज़ कीजिए इतने सारे रिजल्ट्स के बाद यहाँ, अब मैं ऐसे चाहता हूँ कि इसे नहीं देखना है आपको, तो इसे आप क्रॉस कर दिया। मैं कोई भी सिंबल आप बना सकते हैं लिखने के लिए। यही चीज़ आप अलग अलग कलर्स में भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ से मिटा सकते हैं इस चीज़ को। आप अगर इस कलर में करना है तो इस कलर में भी आप कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हुई वो बात, अब इसे मिटाते हैं। अगला सिलेक्शन टूल है यहाँ पे आपका जो वो एरो। मान लीजिए आप इसे इंडिकेट करना चाहते हैं और इसके लिए कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं रेड, सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे एरो बना दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको मन कुछ और इंडिकेट करने के लिए है तो डाउनलोड कहाँ से करना है, यहाँ से। तो ये चीज़ें इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैं इसे मिटा देता हूँ और इसके बाद जो अगला है वो ये जो टूल है वो रेक्टेंगल बना के दिखाना चाहते हैं कोई चीज़। तो जैसे मान ली इस पूरे वेबसाइट को मैं दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इस कलर से इस्तेमाल करना चाहता हूँ दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ और आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ। इसी तरह से आप किसी कलर मल्टीपल जगह पे भी कर सकते हैं। और फिर आइए अगला चीज़, आपको ये दिख रहा होगा एक मतलब अगर रेक्टेंगल को फिल करना चाहते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फिल करना चाहता हूँ विथ दिस कलर। तो सपोज कीजिए मैं इसे फिल करना चाहता हूँ, कोई इसे जाने नहीं कि मैंने क्या किया है, तो मैं इसे फिल कर दिया विथ जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर से आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे ये, और ये जो है वो हाईलाइट करना चाहते हैं किसी चीज़ को तो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं यहाँ पे आइसक्रीम ऐप्स खोल दिया और मैं इसे हाईलाइट करना चाहता हूँ इस जगह को। तो सिंपली कुछ नहीं करना, इसे मैं प्लेस किया और जो भी कलर आप यूज़ करना है उससे आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ब्लू कलर से हाईलाइट करना चाहता हूँ इन पर्टिकुलर चीज़ों को, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं इस तरीके से कलर का इस्तेमाल करके ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब अगला चीज़, कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं जो कलर मर्जी उस कलर का इस्तेमाल करके। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ जो भी फ्रंट आप करना यूज़ फ्रंट वो आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट में फोर्टी पर लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं प्रेस किया और लिखना शुरू करता हूँ माई ऑल टाइम, ओके। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ मिटा सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। फिर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल ऐप्स हैं इसके, तो मैं इसे नंबरिंग करके दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे नंबरिंग का ऑप्शन है जो कि बुलेट टाइप से आता है और जो भी आपको सेलेक्ट करना है उस हिसाब से मैं यही सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ये नंबरिंग वाला सेलेक्ट कर लिया। तो पहला इसका ये, दूसरा मैं दिखाना चाहता हूँ ये, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ऐसे ऐसे आप नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको लगता है उस हिसाब से नंबरिंग यहाँ पे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी दिखे, इससे आप अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं और इसे इरेज कर सकते हैं और फाइल्स रिकॉर्ड होने के बाद लोकल फाइल्स में चले जाते हैं।
अब आइए आपको इसके स्क्रीनशॉट फीचर दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट में आप फुल स्क्रीन, कस्टम स्क्रीन या कोई भी एरिया कर सकते हैं। फुल स्क्रीन सेलेक्ट करते हैं और स्क्रीनशॉट मैं आपको लेकर दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक विंडो खोल दिया और यहां पे ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का, तो आप इसे भी आप क्लाउड पे अपलोड कर सकते हैं और वो सारी फीचर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कैप्चर किया, क्लिक किया, ये स्क्रीनशॉट हो गया मेरा। आप यहाँ पर कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जैसे मैं ए बी सी डाल के सेव कर दिया। आप चाहें तो इसे क्लाउड पे भी कर सकते हैं ओपन, और ये देखिए मैंने इसे ओपन कर लिया। तो अब यहाँ पे और चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए सिमिलरली आपको कस्टम एरिया या फिर उस एरिया का करना है या ऑटोमेटिकली करना है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे हो जाएंगी जो वीडियो रिकॉर्डिंग के केस में हुई थी। और देखिए यहाँ पे भी आपको सिमिलरली, जैसे मैंने बताया ना कि आप URL के थ्रू आप डायरेक्टली वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और ये फाइल जो है क्लाउड में चला गया, तो ये देखिए वो भी चीज़ हो गई। यहाँ पे आप इसे ब्राउज करके देख सकते हैं। अब आगे अगला चीज़ जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ वो कमाल का है, ऑडियो कैप्चर फीचर। इसमें हाई बिट रेट, मीडियम और लो के साथ साथ मिलता है आपको। अब इस फीचर में आप चाहे तो रिकॉर्डिंग टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ माइक इस्तेमाल कर सकते हैं और माइक का वॉल्यूम वगैरह सब आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ साथ आप चाहे तो सिस्टम का जो आवाज़ है उसे ऑन या ऑफ करने की सहूलियत दी है, वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हैं और रिकॉर्डिंग आप ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, ये देखिए रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है और आप इससे पॉज या स्टॉप कर सकते हैं। सिमिलरली आप कोई भी नाम डालिए और सेव कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑडियो आपका सेव हो गया यहाँ पे, इस तरीके से आप प्ले भी कर सकते हैं इसको। तो जो भी आपका मीडिया प्लेयर हो, VLC है या, तो उसमें आराम से ये प्ले हो जाएगा। और ये एक कमाल का फीचर है जो ऑडियो या वॉइस ओवर करते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आइए आपको अगला फीचर इसका गेम कैप्चर, जो जिनका गेमिंग कैप्चर चैनल है, लाइव स्ट्रीम करते हैं या फिर गेम का चैनल, तो अल्टीमेटली हाई स्पीड FPS यानी 60 फ्रेम पर सेकंड पे हाई वीडियो क्लियरिटी, मीडियम या लो किसी पे भी आप कर सकते हैं, AVI या MP4 मोड जो भी आपको अच्छा लगता है उस पे। तो ये एक अल्टीमेट बिना लैग वाला बहुत हाई क्लियरिटी का और रियल टाइम गेमिंग का कैप्चर करके आपको लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं। टास्क यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि आप कोई भी टास्क क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस एरिया को पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर टाइम पे ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर डेट पे रिकॉर्ड हो जाए, तो आप वहाँ पे बस सेट करके छोड़ दिए ये, और ये आपको उस टाइम पे उस डेट पे रिकॉर्डिंग शुरू कर लेगा अपने आप। तो ये एक बढ़िया चीज़ भी है। इसके अलावा सेटिंग्स में बहुत सारे फीचर्स मैं आपको कर दिखाता हूँ। पहले फोटो का फॉर्मेट PNG, JPEG जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं तो कंपैक्टेबल है। थीम आपको मैंने दिखा दिया, और यहाँ पे और भी एरिया को सिलेक्शन का जूमर है, जिससे कि आप जूम कर सकते हैं और जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, उसे आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए लोकेशन है, और उसके बाद यहाँ पे मिनिमम फ्री डिस्क कितना चाहिए, मैक्सिमम फाइल साइज क्या होगा, वो सब सेट कर सकते हैं अपने आप। वीडियो फॉर्मेट इतने सारे हैं, क्वालिटी इतने सारे हैं, और जो आपको अच्छा लगे, माउस दिखाना है, हाईलाइट करना है, नहीं करना है, एनिमेशन, वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहें तो ये रिकॉर्डिंग के पैनल को भी ऑफ या ऑन कर सकते हैं ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। मैंने ऑन किया था क्योंकि आपको दिखाना था। स्क्रीन शेवर को ऑफ ऑन कर सकते हैं, काउंटडाउन को ऑफ ऑन कर सकते हैं, और डेस्कटॉप आइकॉन्स को भी आप हाइड कर सकते हैं जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपको अगर इरिटेटिंग लग रहा है तो। वाटरमार्क का फीचर है जिसमें कि आप कुछ वाटरमार्क भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये इमेज यहाँ पे डाल दिया। YouTube का लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कहाँ रखना है, और ऑपेसिटी सेलेक्ट करके आप उसे ओके कर सकते हैं। तो ये भी एक कमाल का फीचर इसमें दिया गया है। इसके अलावा ऑडियो में अगर आप चलेंगे तो आपके पास ऑप्शन है कि केवल आपको माइक रिकॉर्ड करना है या फिर सिस्टम का ऑडियो रिकॉर्ड करना है, दोनों के ऊपर है। तो आप जो चाहिए, अगर मल्टीपल माइक है तो उसमें से आप ऑप्ट कर सकते हैं कौन सा इस्तेमाल करना है। सेम रिकॉर्डिंग के केस में भी आप उसे ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अगर माइक केवल चाहिए तो उसे ऑफ कर दीजिए, अगर दोनों चाहिए तो ऑन करके आप वॉल्यूम एडजस्ट कर दीजिए, और जो भी ऑडियो डिवाइस है आपका वो सेलेक्ट करके आप मिक्सचर से भी आप कस्टमाइज कर सेट कर सकते हैं सेटिंग, उसको कंपैक्टेबल ले लेता है। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। वेबकैम में ये देखिए इंटीग्रेटेड या फिर और दूसरा वेबकैम है, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस टाइप का आपका होगा, राउंड या फिर स्क्वायर या फिर इस टाइप का, वो इस्तेमाल करके बहुत सारे हॉटस्किट है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस देखा आपने, है ना, वाकई में ये वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन या डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, प्रोफेशनल यूज़ के लिए सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर, और सभी लोग यही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से डाउनलोड करके ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आता है इसे आप प्रो वर्जन पे अपग्रेड करके इसका एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।